हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टी वाई बी कॉम सेमिस्टर सिक्स द सब्जेक्ट ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स विच इज कॉल्ड एज जीएसटी और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन तो जो आपको थियरी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली रिपीट होते हैं तो ये सारे क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें बिकॉज आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और बाकी सारे थियरी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे आ, उस बेस पे आपके काफ़ी सारी आ, आपके सेमेस्टर सिक्स के लिए हेल्प हो सकती है तो चलते हैं हम डिस्कशन में इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज इफ़ यू नो दैट कि शॉर्ट नोट्स जो है वो हमें ऑप्शन बेस पे अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं और उसके साथ जो दो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थर्ड क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के रखना है बिकॉज से शॉर्ट नोट्स पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है क्वेश्चन नंबर फोर जो आपको पढ़ना है दैट विल बी अबाउट सप्लायर तो सप्लायर के बारे में पढ़ना है डेफिनेशन है आपके बुक्स में दिए हुए तो वो आपको पढ़ना है नंबर फिफ्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में से एंड नंबर फिफ्थ जो शॉर्ट नोट है दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट टर्न वो आपको पढ़ना है नंबर सिक्स जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन दिस सिक्स क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये ध्यान से आप पढ़ लेना इसमें से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी होती है अब अगले कुछ क्वेश्चन हम देखने हैं क्वेश्चन नंबर सेवन जो आपको पढ़ना है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ से नॉर्मली आपके पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे कंसेप्ट ऑफ सप्लाई है तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ना है ताकि उसके बारे में अगर कोई भी शॉर्ट नोट पूछा जाए तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट इन पेपर. नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ के रखे वहां से अगर शॉर्ट नोट पूछा गया है, तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे नेक्स्ट जो आपको शॉर्ट नोट पढ़ना है दैट इज अबाउट स्टेट एन इट फाइव एग्जाम सर्विसेज ऐसा नहीं कि आपको फाइव ही पढ़ने हैं आप फाइव से ज्यादा पढ़ के रखें ताकि उसमें से जो भी इजी आपको लगता है वो फाइव एग्जाम सर्विसेज को आप अपने पेपर में लिख पाएंगे नंबर का क्वेश्चन आपको पढ़ना है नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम तो इज स्कीम कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल ट्रेडर्स तो उसमें लिमिट्स है तो so अकॉर्डिंगली uh, ऐसे कौन से पर्सन होते हैं जो एलिजिबल नहीं होंगे कॉम्पोजिशन स्कीम में वो भी आपको पढ़ना है नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है दैट विल बी सर्कमस्टेंसेस अंडर विच रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड ऐसे कौन से सरकमस्टेंसेज होते हैं जिसमें आपके जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसल्ड हो जाता है देन आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के बारे में एंड आपको पढ़ना है रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी तो इतने सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के रखने हैं हो सकता है कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाए काफ़ी सारे बच्चे थियरी के क्वेश्चंस पढ़ते नहीं हैं बट थियरी के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी होगा तो ध्यान से थियरी के क्वेश्चंस को पढ़े और इसमें से अगर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको वो काफ़ी हेल्प हो सकता है इसी तरीके से आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का भी वीडियो मिलेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूले और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे ही आपको लास्ट मिनट रिविजन रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर